हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णास कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर उबटन रेसिपी, जो आपके रूप को निखारेगा भी और साथ के साथ आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट भी बना देगा। अगर आप न्यू मैरिड हो या फिर आपकी शादी होने वाली है तो भी आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो। ये आपके ब्राइडल लुक को प्राइसलेस बना देगा। फ्रेंड्स, कोई भी स्पेशल ओकेशन हो अगर आप इसको यूज करते हो तो ये आपके मेकअप को और भी ज़्यादा ग्लोइंग कर देता है। अगर आप कॉलेज गर्ल हो या फिर वर्किंग वूमन हो तब तो आपको इसे डेफिनेटली यूज करना ही चाहिए, बिकॉज रेगुलर रूटीन की वजह से जो भी सन टैनिंग हुई है आपकी स्किन में या फिर स्किन टोन अनइवन हो गया है, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, आप इस उबटन को बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अपने किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ इजीली बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा। होममेड उबटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोटा पिसा हुआ चने का बेसन यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, बेसन हमारी जो स्किन है उस पर एक तरह से स्क्रब का काम करता है। जो भी डेड स्किन है उसको ये रिमूव कर देता है। ओपन पोर्स जो होते हैं उसमें जितनी भी डस्ट होती है उसको ये क्लीन कर देता है। इसके साथ मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है हल्दी। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं या फिर आप कम मात्रा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हल्दी होती है फ्रेंड्स, वो हमारा स्किन टोन जो होता है उसको इम्प्रूव करती है, एंड अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये काफ़ी हद तक ठीक करती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हो तो हल्दी आपके पिगमेंटेशन या सन टैनिंग को इम्प्रूव करती है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया हुआ है। फ्रेंड, जब भी आप कोई ब्यूटी रेसिपी बनाते हो तो उसमें हमेशा कच्चे दूध का ही यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, कच्चे दूध में क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपका जो धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स जितने भी होते हैं स्किन में उन सबको ये रिमूव करती है, प्लस जो स्किन टोन है उसको भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है डाबर का गुलाबरी रोज वाटर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो स्किन टोनिंग के लिए। इसके साथ साथ आपकी स्किन को नरिश करने के लिए और मॉइस्चराइज करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है कोई भी कोकोनट ऑयल। मैंने पैरासूट का कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। फ्रेंड्स, हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करके एक काफ़ी अच्छा सा उबटन तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच बेसन लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दी है 1/2 चम्मच हल्दी। फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हल्दी को स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दीजिएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मिलाना है 2 या 3 चम्मच कच्चा दूध। दूध को हम फिलहाल इतना ही मिलाएंगे, बाद में कम या ज़्यादा हम कर लेंगे अगर हमारी कंसिस्टेंसी गाढ़ी या पतली होगी तो। इसको मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन हमें यहाँ पर लेना है गुलाब जल, इसके भी हमें 2 से 3 चम्मच ऐड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके स्किन में किसी भी तरह का एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन आपको हो जाता है इन सब चीज़ों से तो गुलाब जल से वो आपको नहीं होगा, प्लस जो आपका स्किन टोन है वो भी इम्प्रूव होगा। ये एक कूलिंग इफेक्ट आपकी स्किन में देता है। 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाकर हमें इसमें ऐड करना है और एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, जिससे ये हमारी बॉडी पर अच्छे से स्प्रेड हो जाए और हमारी स्किन से चिपक जाए। फ्रेंड्स, अगर आप इस पेस्ट को, इस उबटन को एक बार यूज़ करते हो तो 2-3 दिन आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और स्मूथ रहने वाली है। आपको किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के बाद में, किसी भी तरह का आपको बॉडी वॉश या फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों का ये काम करता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है उसके जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, जितनी भी डेड स्किन है आपकी, उन सबको ये रिमूव कर देगा और आपकी जो स्किन है उसको नेचुरली ग्लो देगा। फ्रेंड्स, जो कोकोनट ऑयल है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश रखने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, हमें इस तरह की थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अगर आपको यह पतला लगता है तो आप इसमें और मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको स्मूथ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर थोड़ा थिन बैटर तैयार करना है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा और दूध मिलाकर इसका थोड़ा
थोड़ा सा स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका बैटर जितना ज़्यादा स्मूथ होगा ये उतना ही अच्छी तरह से आपकी स्किन पे स्प्रेड होगा और जितने भी डस्ट पार्टिकल आपकी स्किन पे हैं उनको अच्छी तरह से खींच कर ये बाहर निकालेगा। तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, थोड़ा सा शाइनिंग और बहुत ही स्मूथ पेस्ट आपको यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का बैटर मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद में आपको अपने स्किन पर इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको इसे अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने कुछ थोड़ा सा पेस्ट लेकर इसे अपने हाथों पे स्प्रेड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी स्मूथ बन के तैयार हुई है और ये कितने अच्छे से मेरे हाथ पर स्प्रेड हो रहा है। कुछ इस तरीके से इसको आपको अपने हाथ पर अप्लाई करना है और अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे अपने हाथ पर रब करना है। 2-3 मिनट रब करने के बाद आप इसे करीब 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर ड्राई होने के बाद में आप इसको दोबारा से रब करना स्टार्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स जब हम इसे इस तरीके से रगड़ते हैं तो जो बेसन है वो हमारी जो स्किन है उसके जितने भी डेड सेल्स हैं उन सबको ये रिमूव कर देता है, प्लस जितना भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन से हमारी जो स्किन की बैंड बजी हुई है उसको भी ये ठीक कर देता है। 2 मिनट ड्राई करने के बाद में आप इसको जब दोबारा से उबटन करोगे अपने हाथ पर अपनी बॉडी पर तो कुछ इस तरीके से ये निकल कर बाहर आ जाएगा और फ़र्क देख सकते हो उसका जो कलर है वो कितना ज़्यादा डार्क हो चुका है। जितना भी धूल मिट्टी मेरे हाथ पे चिपकी हुई थी, जितना भी डेड स्किन सेल्स थे मेरी स्किन पर, वो सारे इसने फटाफट से रिमूव कर दिए हैं। और अभी जब मैं आपको दोनों हाथों में फ़र्क दिखाऊंगी तो आप फ़र्क भी देख पाओगे कि कितना ज़्यादा मेरे हाथ पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रोसीजर में बहुत पेशेंस चाहिए आपको, इतना फटाफट ये सारा काम नहीं होता है। आप आराम से 1 घंटे के लिए आप टाइम निकालिए, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिए। अगर मैं दोनों हाथों को कंपेरिजन करके आपको दिखाऊँगी तो आप खुद रिज़ल्ट देख सकते हो कि मेरे दोनों हाथों में कितना डिफरेंस आया है। फ्रेंड्स अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो तो आपकी जो स्किन है उसमें एक तरह से पिंकी इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स आफ्टर हैंड वॉश आप देख सकते हो मेरे हाथों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। फ्रेंड्स आप ये नहीं बोलिएगा कि ये हाथ गोरा है और वो काला है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गोरा इससे नहीं होता है, इससे सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जितने भी हमारे सन टैनिंग हाथों पे हुई थी वो सारी इम्प्रूव हो जाती है, धूल मिट्टी जो भी हमारी एक्स्ट्रा जमी हुई थी वो सारी हट जाती है। यही ये रीज़न है कि आपको मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स नॉर्मल जब हम हैंड वॉश करते हैं या बॉडी वॉश यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके का हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी पर उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो उबटन है ये आपकी बॉडी को फुल टच देने वाला है। फ्रेंड्स आप मेरे हाथों में डिफरेंस देख सकते हो जहाँ मैंने अप्लाई किया था और जहाँ नहीं किया है। मेरा जो टोन है स्किन का वो आपको अलग ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा तरीका उबटन यूज़ करने का, और आप भी अगर इस तरीके से इसको यूज़ करोगे तो 1-2 बारी में आपको इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप इसे रेगुलर बेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको यूज़ करने से पहले और बाद में आपको किसी भी तरीके का साबुन यूज़ नहीं करना है। और आप भी इसे यूज़ करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।